मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन के पास स्थित तृप्ति लॉज के एक कमरे में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। लॉज के कमरे में साथ में जो रहने वाला व्यक्ति था वो मौके से फरार है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। कल्याण शहर में दोहरे हत्याकांड को अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि कल्याण स्टेशन इलाके के तृप्ति लॉज में एक कमरे से एक महिला की लाश बरामद की गई है। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है। मृतक महिला का नाम ज्योति तोरडमल है और वो दोपहर के वक्त एक व्यक्ति के साथ ये महिला लॉज में आई थी। महिला के साथ आया व्यक्ति भूपेंद्र गिरी फरार है मौके से। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। कल्याण स्टेशन इलाके के तृप्ति लॉज के एक कमरे में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। महिला का नाम ज्योति तोरटमल बताया जा रहा है और वो घाटकोपर इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। शनिवार की दोपहर ज्योति तोरटमल भूपेंद्र गिरी नाम के व्यक्ति के साथ में स्टेशन के पास तृप्ति लॉज में आई थी और सुबह काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुलने पर लॉज के स्टाफ ने दरवाज़ा खोला तो ज्योति का शव मिला। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना महात्मा फुले पुलिस को दी। महात्मा फुले पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस निरीक्षक प्रदीप पाटिल और पुलिस निरीक्षक श्रीनिवास देशमुख के मार्गदर्शन में आगे की जांच की जा रही है। ज्योति के साथ आया भूपेंद्र गिरी फरार है और पुलिस ने आशंका जताई है कि ज्योति की हत्या की गई है। फरार भूपेंद्र गिरी की तलाश में भी पुलिस ने दो टीमें लगाई हैं।